ईश्वर के चमत्कार के आगे सारे साइंस फेल है। उस दिन से आज तक हमको दवा की जरूरत नहीं पड़ी। आस्था विज्ञान पे भारी पड़ जाती है। यहाँ का जो किस्सा है वो कुछ अलग है। आप 1 किलो 2 किलो कितने ही लड्डू चढ़ाइए, महाबली सब लड्डू खा जाते। कलयुग में जिंदा हनुमान कहीं है तो इटावा के अंदर जमुना किनारे हैं। हनुमान जैसे ही उसने 2 टायल यहाँ से हटाई, हनुमान जी ने उसको अंधा कर दिया। आधी हकीकत आधा फसाना। 90 सेकंड का जो वीडियो अभी आपने देखा वो आपको जरूर चौंका रहा होगा, लेकिन ये तो हैरान कर देने वाली कहानियों की महज शुरुआत भर है, क्योंकि अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसका 1 सेकंड बेहद कीमती है। तो टीवी का रिमोट साइड में रख दीजिए, हो सके तो घर के एक एक सदस्य को टीवी के सामने बैठा दीजिए, क्योंकि ये कहानी चंबल के बीहड़ के बीच बसे उस मंदिर से जुड़ी है जहां सदियों से वायुपुत्र के चमत्कार को महसूस किया जाता है, जहां बजरंग बली के जिंदा होने की कहानियां सुनी और सुनाई जाती हैं। तो आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के छोटे से जिले इटावा में, जहां रामदूत महाबलशाली हनुमान के होने का दावा किया जाता है। जल में, थल में, वायु में, आप जहां तलाशेंगे वहां वो मिलेंगे, लेकिन किस रूप में कोई नहीं जानता। वो तो ईश्वरी शक्ति है। इसलिए इस बार नई कहानी के एक सिरे को थाम कर आधी हकीकत आधा फसाना की टीम जा पहुंची इटावा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। मैं इटावा में हूं। तो इटावा आपने सुना तो आपके जहन में होगा, हो सकता है मुलायम सिंह यादव से जुड़ा कोई किस्सा कहानी शूट करने आए हों, या फिर चंबल से जुड़ी कोई कहानी शूट करने आए हों। तो मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल गलत हैं। ना मुलायम सिंह यादव ना चंबल कोई किस्सा कहानी ऐसी शूट करने नहीं आए, बल्कि हम आए हैं महाबली के उस मंदिर की खोज में, जिसके बारे में जब हमें लोगों ने बताया तो हम भी दंग रह गए, क्योंकि वो चमत्कार या वो कहानियाँ ही ऐसी थी। महाबली से जुड़े यूँ तो बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन यहाँ का जो किस्सा है वो कुछ अलग है। आप 1 किलो 2 किलो कितने ही लड्डू चढ़ाइए, महाबली सब लड्डू खा जाते हैं। इतना ही नहीं, लड्डू ही नहीं खाते बल्कि मुख से श्री राम नाम भी उनके निकलता है। तो आधी हकीकत आधा फसाना में आज हम उसी मंदिर की पड़ताल में जा रहे हैं कि वाकई सच्चाई कितनी है। क्या वाकई महाबली की वो मूर्ति लड्डू खाती है? हम भी चलेंगे, हम भी खिलाकर देखेंगे और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये चमत्कार कब से लोग देखते हुए आ रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ आज इस मंदिर की पड़ताल। चंबल के बीहड़ के बीच बसे उस मंदिर से जुड़ी हमने जितनी भी कहानियों को सुना था सब हैरान करने वाली थी। इसलिए आधी हकीकत आधा फसाना की टीम जल्द से जल्द उस मंदिर तक पहुंचना चाहती थी जिसे सिद्ध पीठ पिलुआ हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के बारे में जो हमें बताया गया
उस सच को ढूंढते ढूंढते हम यहाँ तक आ गए हैं। मंदिर के आसपास का मैं आपको एरिया दिखा देती हूँ। ये देखिए किस तरीके से ये प्रसाद की दुकान है, लड्डू मुख्यतः चढ़ाया जाता है तो लड्डू की दुकानें हैं, इधर भी कुछ दुकानें लगाई गई हैं और जो सामने आप देख रहे हैं ये मंदिर का मुख्य द्वार है। जल्दी ही हमारी टीम उस मंदिर परिसर में पहुंच चुकी थी जहां हनुमान जी के लड्डू खाने का दावा किया जाता है, जहां बजरंग बली के सांस लेने का दावा किया जाता है, जहां स्वयंभू मूर्ति से राम नाम के जाप का दावा किया जाता है। ये वो मंदिर है, मैं मंदिर के अंदर मौजूद हूँ, पुजारी जी मेरे साथ हैं। सबसे पहले मैं आपको स्वयंभू वो मूर्ति दिखाती हूँ हनुमान जी की। ये देखिए, ये हनुमान जी की लेटी हुई मूर्ति है, स्वयंभू मूर्ति कहते हैं इसे, स्वयंभू मूर्ति है। और यहाँ ये मुख है हनुमान जी का। आप यहाँ 1 किलो 2 किलो 3 किलो कितने लड्डू खिला दीजिए, हनुमान जी सभी लड्डू स्वीकार करते हैं। तो ये वो मूर्ति है। पुजारी जी, कितने लड्डू हम खिला सकते हैं, कितने लड्डू स्वीकार कर लेते हैं? आपकी जितनी स्वेच्छा उतना लड्डू आप उनको खिलाएं। और आपके सामने है, आप हनुमान जी लड्डू खाते चले जाएंगे। उनका मुखारविंद कभी नहीं बढ़ता, प्राकृतिक रूप से श्वास लेते रहते हैं। देखो आप मुखारविंद में बुलबुले से उठते हैं, ये जो बुलबुले उठ रहे हैं ये आप कह रहे हैं कि ये श्वास ले रहे हैं जी, यानी कि जीवित हैं जी। ये आज भी, और हमने सुना है कि श्री राम की ध्वनि भी सुनाई देती है जी। शांति वातावरण में जब रात का समय होता है तब राम राम की धुन सुनाई पड़ती है, तो राम राम कहते हुए सुनाई देते हैं। आपने कभी महसूस किया हो? जी महसूस किया है। हमने जो सुना जो देखा वो वाकई हैरान करने वाला था। हनुमान जी को जितने लड्डू चढ़ाए जाते वो सब उनके मुंह में समा जाते, इसलिए हमने भी ये तय किया कि हम भी अपने हाथों से बजरंग बली की इस स्वयंभू मूर्ति को लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाकर देखें। लेकिन ये हम कर पाते उससे पहले हमारी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जिन्होंने साक्षात यहां बजरंग बली के चमत्कार को महसूस किया है। मेरा बड़ा लड़का पैदा हुआ था तो उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। हमने सारे डॉक्टरों के टावा कानपुर आगरा ले जाकर सब जगह हमने दिखाया लेकिन इसको कोई आराम नहीं मिल रहा था। फिर हम इसको लेके यहाँ पर आए, हमने यहाँ पर इसको हनुमान जी के पास रख दिया और हमने विनती करी, हनुमान बाबा आप हमारे बच्चे की रक्षा करो। तो उन्होंने वो हम उनसे कह करके चले गए। उसके बाद आज हमारा बच्चा 15 ईयर्स का हो गया है, 15 साल का हो गया है। उस दिन से आज तक हमको दवा की जरूरत नहीं पड़ी, ये हनुमान जी की कृपा से ही आज इतना बड़ा है। जीवन में कई तरह के प्रसंग आए हमारे पिताजी के समय में, हमारे समय में जो यहाँ हनुमान जी से मांगा वो पूरा हुआ। तो ये चमत्कारिक हनुमान जी है और ये नेचुरल हनुमान जी। यहाँ पर एक मिट्टी का टीला था, उस टीले पर एक पेड़ था पिलुआ का, उसकी जड़ में हनुमान जी पैदा प्रकट हुए और उसमें जब लड्डू डालते थे तो वो लड्डू कहाँ जाता था? हनुमान जी के मुख में तो जाता था लेकिन कहाँ जाता था इसका आज तक कोई पता नहीं। ये कहानियां चौंकाने वाली थी लेकिन हमें उस चमत्कार को देखना था जिसका दावा हमसे यहाँ के महंत और श्रद्धालुओं ने किया था। तो लड्डू हमने ले लिए हैं और इन लड्डुओं को लेकर, 500 ग्राम ये लड्डू हैं, लेकर चलते हैं मंदिर के अंदर। तो देखिए, हमने लड्डू बाहर से आपके सामने ही खरीदे और अब जो है हम ये लड्डू लेकर मंदिर यहीं हैं, जाते हैं अंदर। महाराज जी हमारे साथ हैं जो यहाँ के मुख्य पुजारी हैं, दूसरे पुजारी जी भी हमारे साथ हैं। महाराज जी, मैं ये 500 ग्राम लड्डू लेकर आई हूँ और मैं खुद ही खिला दूँ, खिलाकर देखूँ? आप खुद अपने हाथ से खिलाओ। ठीक है, तो ये आपके सामने लड्डू हैं और मैं पहला लड्डू, ये जो बजरंग बली की स्वयंभू मूर्ति है और जिसकी मान्यता के कारण हम यहाँ आए हैं सच जानने के लिए कि वाकई हनुमान जी लड्डू खाते हैं नहीं खाते हैं, ये पहला लड्डू उनके मुख में डाला। आपने देखा पहला लड्डू खा लिया उन्होंने, जो हम देख रहे थे। मैं भी विश्वास नहीं कर पा रही हूँ वाकई में
लेकिन मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे आपको कि ये देखिए बुलबुले उठ रहे हैं। एक जो मैंने लड्डू डाला था उसमें बुलबुला उठा और ये दूसरा लड्डू अब मैं खिलाने जा रही हूँ। ये दूसरा लड्डू है और ये भी मैंने अपने हाथ से खिला दिया है। मैं तीसरा लड्डू फिर खिलाने जा रही हूँ आपके सामने, देखिए। ये तीन लड्डू मैं एक साथ खिलाने जा रही हूँ और अभी तक मैंने एक ही करके लड्डू खिलाए थे। एक और लड्डू चलिए यहाँ पर ले लेते हैं। कहते हैं तीन लड्डू नहीं खिलाए जाते जैसा पंडित जी कह रहे हैं, तो चार लड्डू हमने ले लिए एक साथ। ये चार लड्डू मैं खिलाऊंगी, ये आप देख पा रहे होंगे, और फिर देखते हैं कि क्या चारों एक साथ खाते हैं नहीं खाते हैं बजरंगबली। तो ये आपके सामने ये चार लड्डू। हमें यही मिला है कि हमने लड्डू इस तरीके से खिलाए और हनुमान जी ने वो लड्डू स्वीकार कर लिए। इतने सारे लड्डू कहाँ गए हमें नहीं पता। हमने गुड़ भी चढ़ाया, वो भी गायब हो गया। ऊपर से ये बुलबुलों की आवाज, सब कुछ वैसा ही जैसा हमें बताया गया। तो क्या सच में ये वायुपुत्र का कोई चमत्कार है? यहां आने वाला हर एक श्रद्धालु दावा तो यही करता है। वो तो ईश्वरी शक्ति है, राज भी हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है शक्ति है। एक बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ जब हम परेशानियों से घिरे रहे, मुझे ऐसा लगा कि जीवन में भारी संकट है, क्या किया जाए, तो हनुमान जी के पास जाते हैं पिलुआ मंदिर। मेरी वाइफ की एक बार काफ़ी तबीयत खराब रही और डॉक्टरों ने काफ़ी प्रॉब्लमें बताई, तो मैं बाबा के पास गया। वहाँ नियमित एक से दो मंथ गया और लगातार वहाँ बैठा, सच्चे मन से मैंने जो भी वहाँ मांगा वो मुझे पूरा हुआ, मेरी सारी मुरादें वहाँ पूरी हुई। नहीं नहीं, राज तो कोई नहीं, देखिए चमत्कार है, ईश्वर के चमत्कार के आगे सारे साइंस फेल है। जैसे एक पेड़ की कई शाखाएं होती हैं, वैसे ही पिलुआ वाले हनुमान जी से भी जुड़ी कई कहानियां हैं। ये द्वापर युग से जुड़ी हुई कहानी है कि जिस समय पांडव लोगों को वनवास हो गया था और भीम ने चकर नगर में कीचक नामक दैत्य का वध किया था और वहां से उन्हें अवमान हो गया, जब जंगल में घनघोर जंगल में आगे बढ़ रहे थे तो हनुमान जी यहीं लेटे हुए थे। हनुमान जी ने अपनी इतनी पूछ बढ़ाई कि भीम के रास्ते में जाकर के पूछ मिली उन्हें। अच्छा। उन्होंने इसको हटाने का बहुत प्रयास किया, जब उनका अहमान चूर हो गया तो हनुमान जी ने उनके गले लगाया, कहा तुम भी पवन पुत्र हो और मैं भी पवन पुत्र हूँ। तब से ऐसी मान्यता है कि दक्षिण मुखी लेटे हुए पिलुआ हनुमान जी के नाम से, ये हनुमान जी हमारे विख्यात हैं और लेटे हुए हनुमान जी तो प्रयागराज में भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ लड्डू चढ़ता नहीं है, हनुमान जी लड्डू स्वयं खाते हैं। कहानियों का एक हिस्सा तो इस मंदिर के नाम से भी जुड़ा है। पिलुआ बाबा नाम इसलिए पड़ा कि हनुमान जी के सिर की ओर एक जंगल में जो पिलुआ वृक्ष होता है जिसमें नवौरी जितना फल आता है, सिर की तरफ वो पेड़ था और उसकी झाड़ी में हनुमान जी उसकी डाली के नीचे लेटे हुए थे। यहाँ जो कुछ हमें बताया गया वो हैरान करने वाला था, इसलिए इन दावों को लेकर बात तभी आगे बढ़ सकती थी जब हमें मंदिर के महंत की इजाजत हो। आप पड़ताल कर सकती हैं, कोई आपत्ति नहीं है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हम लोगों को जो यहाँ काम करना पड़ता है उसके लिए शाम को अर्जी लगानी पड़ती है हनुमान जी से। अर्जी कैसे अर्जी लगानी पड़ती है? आप अपनी बात जाकर के हनुमान जी से कहोगे और कि हमें कल ये काम करना है, तभी आप यहाँ कोई काम कर पाएंगे। अगर आप नहीं कहेंगे तो हनुमान जी दूसरे दिन आपको कोई काम न कर लेंगे। इस इजाजत और अर्जी वाली बात के पीछे भी एक चौंकाने वाला दावा किया जाता है। एक बार मैं मैनपुरी जा रहा था, मैंने यहाँ के एक हमारे मिस्त्री से कहा, मुरलीधर मिस्त्री था, हमने कहा कि हनुमान जी के टाइल बहुत पुराने हो गए हैं। तब हनुमान जी का मंदिर बहुत छोटा था, हमने कहा ये टाइल हटा करके आप नए टाइल लगा दें। हनुमान जी से पूछ लिया, दूसरे दिन की अनुमत हो गई, लेकिन हम चले गए बाहर, उसने काम नहीं लगाया। तीसरे दिन काम लगाया तो हनुमान, जैसे ही उसने दो टाइल यहाँ से हटाए, हनुमान जी ने उसको अंधा कर दिया।
एक महीने तक वो अंधा रहा। हमें सच्चाई की तह तक जाने की इजाजत मिल चुकी थी, अब हमें ये समझना था कि आखिर बजरंग बली को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद जाता कहाँ है। मंदिर एक टीले पर बना है, मुमकिन है कि टीला अंदर से खोखला हो और मूर्ति के ठीक नीचे टीले के बीच में कोई कुआं हो। यह भी मुमकिन है ये कुआं अंदर ही अंदर यमुना नदी तक जुड़ा हो और सारा प्रसाद नदी में चला जाता हो। यह भी मुमकिन है कि कुएं का तल जमीन से अंदर से होते हुए लायन सफारी या बीहड़ में किसी कुंड या विशाल तालाब तक जाता हो और भक्तों का डाला सारा प्रसाद बहकर वहीं चला जाता हो। ये जानने के लिए हमने सबसे पहले रुख किया मंदिर की छत का। अब मैं मंदिर की छत पर हूं और मंदिर की छत से क्यों मैं आपको ये एंगल दिखा रही हूं, दरअसल मैं आपको आसपास का इलाका दिखाना चाहती हूं। चंबल का इलाका है और चंबल के इलाकों में बीचों बीच में ये मंदिर बना हुआ है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, वो किला भी दिखाऊंगी मैं आपको कैमरे के जरिए। देखिए कैमरे के जरिए आप देख पाएंगे वो किला, दरअसल वो उस राजा का किला है जिसके बारे में एक कहानी ये भी बताई गई कि वही वो राजा थे और उनके द्वारा ही ये मंदिर जो है स्थापित किया गया, इस मंदिर की खोज की गई। तो देखिए वो कैमरे के जरिए हम आपको वो किला दिखा रहे हैं, दरअसल अब वो खंडर हो चुका है, उसे हेरिटेज घोषित किया गया है, लेकिन बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं मंदिर का कोई भी सिरा वहां जाकर मिलता हो, कुछ ऐसा तो नहीं है। हम मंदिर के पीछे का इलाका भी आपको इस ऊपर के कैमरे से दिखाएंगे। ऊपर से देखने पर हमें ऐसा कोई सबूत हाथ नहीं आया जो ये बताता कि आखिर बजरंग बली को रोजाना चढ़ाया जाने वाला सैकड़ों किलो प्रसाद और सैकड़ों लीटर जल कहां जाता है। लेकिन सवाल तो ये भी है कि क्या हर किसी के हाथ का प्रसाद ऐसे ही बजरंग बली के मुख में गायब हो जाता है, या फिर इसके पीछे भी कोई कहानी है। ये बहुत पुरानी बात है, यहाँ पर एक सेठ आए हुए थे, उन्होंने सेठ ने ये बताया, कहा, संकल्प लिया कि हनुमान जी आप जितने लड्डू खाएंगे जब तक आपका मुंह नहीं भर जाएगा तब तक हम आपको लड्डू खिलाते रहेंगे। मतलब इसने एक अहंकार भर के ये बात की, तो उस अहंकार में उसने लड्डू यहाँ पर खिलाने चालू कर दिए। सारे शहर के जो वो बड़ा सेठ था तो जितने भी मिठाइयों की दुकान थी वहां से खरीद के लेके आया और उसने हनुमान जी को यहाँ पे लड्डू खिलाए। वो हनुमान जी को खिलाते गया सारे लड्डू खत्म हो गए, लेकिन हनुमान जी का मुंह नहीं भरा। उसके बाद फिर जब उसने कहा कि ये बात क्या है, आखिर लड्डू जा कहाँ रहा है, तो उसने जाकर के देखा कि वहाँ ये पास में यहीं पे बेहड़ है और वहाँ पे जमुना जी बहती हैं, तो सारे लड्डू वो जमुना जी के किनारे में ले जाके। इस कहानी से हमें एक ऐसा सिरा मिला जिसने हमारे कदमों को एक नई दिशा में मोड़ दिया। मंदिर के उस रास्ते से मैं यहाँ आई, मुझे लोगों ने बताया कि यहाँ यमुना जी है। ये देखिए कैसा लग रहा है कि पहली नजर में ये कोई नाला टाइप है, यहाँ से पानी आता है। ये देखिए आप, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रही हूँ, यमुना जी तो उधर की तरफ है, लेकिन देखिए पहली नजर में क्या लगेगा आपको, मैं थोड़ा सा दौड़ के आपको दिखाती हूँ जहाँ तक जा सकती हूँ कि ये कोई नाला है क्या, क्या यहाँ से कोई हमें ऐसे जगह दिख जाए, क्या यहाँ लड्डू कहीं इकट्ठे होते हैं, पानी दूध। लेकिन जहाँ तक नजर जाएगी आपको क्या नजर आएगा, पेड़ पौधे। आमतौर पर गांव में जो नदी के किनारे के खेत होते हैं, अपने खेतों तक पानी पहुँचाने के लिए लोग इसी तरीके से जो है रास्ता बना लेते हैं। हमने इसमें कूदकर इसलिए जानने की कोशिश की कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ कहीं एक सिरा जुड़ा हुआ हो जहाँ लड्डू हो या पानी हो या फिर दूध हो या कुछ भी ऐसा मिले जो हमें पता लग सके कि कहीं वहाँ का कोई छोर यहाँ तो इकट्ठा नहीं हो रहा है, यहाँ हमें नहीं मिला। लेकिन अब मैं दिखाती हूँ आपको, थोड़ा सा टर्न होती हूँ, अब मैं जहाँ जा रही हूँ यहाँ है यमुना नदी। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रही हूँ, यहाँ से आपको नजर आएंगी यमुना नदी। ये जो रास्ता जा रहा है, देखिए मैं जिस रास्ते पर चल रही हूँ, ये जो भाग रही हूँ मैं जिस रास्ते पे, यहाँ से अब मुझे साफ साफ देखिए निजाम जी, आप देख पा रहे हो, मेरा कैमरा पर्सन है, देख पा रहे हो, देखिए यमुना नदी दिख गई निजाम जी हमें।
जिस यमुना नदी के बारे में लोग कह रहे थे। नदी का ये मुहाना हमारे लिए उम्मीद की नई किरण के जैसा था। वाह, यही चाहिए था। नदी के किनारे आए हैं और हमें देखिए नाव दिख गई है। और नाव वाले भैया इधर लाओ, जरा किनारे चला दोगे। तो हम किनारे किनारे जहां तक जा सकते हैं, जहां तक ये नाव वाले हमें ले जा सकते हैं, वहां तक जाते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई एक चीज अगर कहीं मिल गई तो वो भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। हर सिरा हम खोजेंगे। तो नाव में हम इसलिए बैठे हैं क्योंकि नाव के सहारे हम एक नहीं कई किनारे आप देख सकते हैं। हम जो है किनारे किनारे नदी के चल रहे हैं और हर किनारा हम देख रहे हैं। जैसे मैं, आप देखिए कि मैं अब इसी तरफ मेरी नजरें हैं कि कुछ दिख जाए, कुछ हो शायद, लेकिन अभी तो नहीं दिखा है। ये पूरा किनारा हम चलेंगे क्योंकि पैदल अगर चलते तो हम थोड़ी दूर तक चल सकते हैं। नाव हमने इसी ले ली कि हम और आगे तक जा सकें और आगे तक देख सकें। ये आगे बढ़ रही है हमारी नाव और इसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ ये बालू, ये मिट्टी और नदी का ये पानी, अभी तक तो यही दिखाई दिया हमें कि यही दो तीन चीजें हमें दिख रही हैं। मुझे यहाँ ना लड्डू दिखाई दे रहे हैं और ना कोई ऐसी जगह या कोई ऐसा पाइप या कुछ भी ऐसा दिख रहा हो कि मैं आपको बता सकूं, ये दिखा सकूं कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा है। लेकिन अब सूरज ढल रहा था। चंबल के बीहड़ में रहने वाले खतरनाक जानवरों के जागने का वक्त था, इसलिए हमने नदी के मुहाने से निकल जाने का फैसला किया और एक बार फिर बजरंगबली के उस मंदिर में जा पहुंचे जहां शाम की आरती का वक्त हो चुका था। क्योंकि हमें बताया गया था कि रात के वक्त जब सब कुछ शांत हो जाता है तब स्वयंभू हनुमान जी की मूर्ति राम नाम का जाप करती है। तो हम आज इंतजार ये भी कर रहे थे कि अब शाम की आरती हो तब तक भी हम इंतजार करें। तो पंडित जी देखिए आरती से पहले कुछ तैयारियां कर रहे हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या तैयारी कर रहे हैं, कैसे आरती होगी और आरती के बाद में मंदिर बंद कर दिया जाएगा या नहीं। तो पंडित जी ये क्या हो रहा है और कब आप आरती करेंगे? 7 बजे आरती होगी। हाँ, उसके बाद कपाट बंद हो जाएंगे आरती के बाद। अच्छा, सुबह खुलेगा 5:30 बजे। अच्छा, ये अब आप श्रृंगार कर रहे हैं? हाँ, सिंगार उनका चोला चढ़ा रहे हैं। अच्छा, चोला चढ़ा रहे हैं। आरती करने के बाद में आप ये कपाट बंद कर देंगे, फिर सुबह कितने बजे खोले जाएंगे? 5:30 बजे। ये एक चीज और बताइए, आपने कहा था राम नाम भी आप सुन सकते हैं, तो क्या आरती के बाद में हम उस ध्वनि को सुन सकते हैं? बिल्कुल, उसमें माइक लगाओ आप, जो बुलबुले से आ रहे हैं इन्हीं में राम राम की आवाज आती है। अच्छा, हमने मंदिर की परंपराओं में विघ्न डालने की कोशिश नहीं की क्योंकि हमारे पास वक्त भी कम था, लेकिन मंदिर से जुड़ी कई कहानियां अभी बाकी थी जिन्हें सुनने और समझने के लिए हमें अगली सुबह का इंतजार करना था। अब आप सोच रहे होंगे कि अगली सुबह का इंतजार क्यों, ऐसा क्या है जो अब सामने आना था, क्योंकि हम मंदिर के चारों तरफ देख चुके थे। वहां भी हमें नहीं पता चला कि लड्डुओं का प्रसाद कहां जाता है। हमने यमुना नदी के किनारों पर भी तलाश लिया, वहां भी हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन मंदिर से जुड़ी कुछ और बेहद हैरान कर देने वाली कहानियां थी। अब आधी हकीकत आधा फसाना की टीम कुल कहानियों के कुछ और सिरों को थाम कर आगे बढ़ना था, उस दिशा में जहां चंबल के बीहड़ का खतरनाक रास्ता है, जहां रात होते ही डकैतों की दहशत पसर जाती है, जहां जंगली जानवरों की आवाजें लोगों को डराती हैं। इसलिए हमने दिन में पिलुआ हनुमान जी से जुड़ी नई कहानियों की तलाश शुरू की। चंबल के बीहड़ में नया दिन अंगड़ाई ले चुका था। अब एक बार फिर हमने उन कहानियों के सिलसिले को आगे बढ़ाना शुरू किया जो कहानियां पिलुआ वाले बजरंगबली से जोड़कर बताई जाती हैं।
उसी मंदिर की पड़ताल करते करते हम नदी के किनारे पहुंच चुके हैं। चंबल के इस नदी के किनारे यूं तो डाकुओं की बहुत कहानियां प्रसिद्ध रही हैं, लेकिन आज हम बजरंगबली के उस मंदिर के लिए आए हैं जिसकी कहानी हमें क्यूरियोसिटी में, हमें उत्सुकता में यहां तक ले आई है कि क्या वाकई आज भी ऐसा मंदिर है, क्या वाकई ये सच है जो हमने त्रेता युग में देखा था, या हमें बताया गया या हमें पढ़ाया गया कि जब सभी देवी देवता बैकुंठ चले गए, एक मात्र बजरंग बली थे जो आज भी इसी धरती पर है। इसी मंदिर की हम पड़ताल कर रहे हैं। जय जय राम सीताराम, 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 जय जय राम। एक बार फिर हम उस मंदिर जा पहुंचे जहां की कहानियां हमारे लिए कौतूहल बन चुकी थी। इस बार मंदिर में पहले से श्रद्धालु मौजूद थे। हम इसी बात की पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर जब इतने सारे श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, इतने लड्डू खिला रहे हैं, तो ये जाते कहाँ हैं? क्या वाकई ये कोई चमत्कार है या आसपास कोई ऐसी जगह है जहां ये सभी लड्डू, ये पानी या ये जो चीजें चढ़ाई जा रही हैं हनुमान जी को, वो पहुंचती हैं? कई सवालों ने हमारी उलझन को बढ़ा रखा था, लेकिन जो जवाब हमें लगातार श्रद्धालुओं की तरफ से मिल रहे थे, वो हमारे भीतर की उत्सुकता को और बढ़ा रहे थे। लोगों की यहाँ पर काफ़ी गहरी मान्यता है। कुछ लोगों के आई थिंक काफ़ी सारे काम ठीक हो गए हैं। जैसे कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है, या कोई किसी की चीज परेशान है, तो यहाँ दर्शन करने से उनकी वो सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। कहीं कोई स्रोत नहीं है जो ऊपर भगवान का स्नान करने के लिए है, वो तो अलग से नाली बनी हुई है। हनुमान जी का स्नान होता है, स्नान का पानी उस नाली से होकर के बाहर जाता है, लेकिन मुखारविंद का जो गहराई है, मुखारविंद में जो लड्डू खाते हैं, दूध पीते हैं, श्वास लेते हैं, इसकी कोई गहराई आप लोगों ने तो पता की है, हम लोगों ने ना पता की है, ना इसकी कोई जानकारी है कि जमुना जी में कोई स्रोत हो। हमने जिससे सवाल किया उसने हमें इस मंदिर के चमत्कार की एक अलग कहानी सुनाई। पहले डॉक्टर ने बताया कि बचेगी नहीं, विकलांग हो जाएगी, मर जाएगी, लेकिन भगवान जी की ऐसी कृपा हुई कि हमारी बहू को कहीं कुछ नहीं हुआ। किसी की बीमारी ठीक हुई, किसी की तरक्की हुई, किसी का जीवन बदल गया, ऐसी न जाने कितनी कहानियां हमें सुनाई गई। लेकिन हमारा दिमाग अब भी उन लड्डुओं में उलझा था जिनका अब तक कोई पता नहीं लगा सका। इसलिए हमने तय किया कि एक बार फिर हम बजरंग बली को प्रसाद चढ़ाकर देखेंगे। हम आज कहीं और किसी और दुकान से दूर से ये लड्डू लाए हैं और अब मैं ये लड्डू भी खिलाकर देखूंगी। लेकिन आज सिर्फ लड्डू नहीं, आज दूध भी होगा। आज मैं आपके सामने दूध भी, लड्डू भी खिलाऊंगी और पानी भी पिलाऊंगी। ये मैंने पहला लड्डू खिला दिया और ये दूसरा लड्डू, ये दूसरा लड्डू मैं खिलाने जा रही हूँ। पहला लड्डू आपके सामने खिलाया, ये याद रखिएगा, ये यहाँ के लड्डू नहीं है, मैं बाहर से लड्डू लेकर आई हूँ। और ये दूसरा लड्डू, ये भी मैंने खिला दिया। उसके बाद ये तीसरा लड्डू, मैं इस तरीके से 5 लड्डू कम से कम खिलाऊंगी हनुमान जी को, और उसके बाद ये दूध और फिर पानी पिलाऊंगी। ये तीसरा लड्डू मैंने खिलाया आपके सामने है। अभी तक आपको कोई लड्डू ऊपर आता नहीं दिखाई दिया, कहीं जाता नहीं दिखाई दिया। ये चौथा लड्डू मैंने खिलाया और ये आपके सामने 5वां लड्डू भी मैंने हनुमान जी को खिला दिया। हमने बस आज यही परिवर्तन किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो दुकान पास में है उन लड्डुओं में कुछ अलग हो, तो हमने इसीलिए आज बाहर से लाकर लड्डू हनुमान जी को खिलाए। लड्डू खिलाया, दूध पिलाया, पानी पिलाया, लेकिन हमें सब कुछ लगभग पहले जैसा ही दिखाई दिया। इसलिए आधी हकीकत आधा फसाना की टीम ने तलाश की दिशा को नई तरफ मोड़ दिया। चंबल के बीहड़ की तरफ, जहां खतरों का कोई और छोर नहीं। जहां तक नजर जा रही है वहां सिर्फ और सिर्फ बबूल के ये पेड़, मिट्टी के ये पहाड़ और ये जंगल नजर आ। तो ये जो आप चंबल देख रहे हैं, ये जो आप इलाका देख रहे हैं,
यहाँ पर भी हम जाकर पड़ताल करने की कोशिश करते हैं इन डाणों के बीच में। दरअसल चंबल में जितने भी मिट्टी के पहाड़ होते हैं ना, डाणे बोलते हैं, तो इन डाणों के बीच में भी जाकर हम देखने की कोशिश करेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत पुराना गढ़ी पर बना हुआ मंदिर है, कोई ऐसा पाइप, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा केंद्र हो जहाँ पर पानी या वो लड्डू इकट्ठे हो रहे हों, तो इन पर भी जाकर देखना बहुत ज़रूरी है। हम एक टीले पर ही हैं, ये पहाड़ है मिट्टी का, लेकिन देख लीजिए मैं आपको जंगल दिखाती हूँ, कितना घना जंगल है आसपास। ये देखिए, जहाँ तक नज़र जाएगी आपको ये मिट्टी के ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ये जंगल नज़र आएगा। इस पूरे जंगल में कई किलोमीटर ये लंबा जंगल है, हमने पूरे जंगल में छाना है, हमें अभी तक कोई सुराघात नहीं लग पाया कि हमें कोई ऐसी जगह दिख जाए जहाँ वो लड्डू दिख जाए, पानी दिख जाए या दूध दिख जाए, कोई ऐसी जगह जहाँ वो चीज़ें इकट्ठी हो रही हों, अभी तक कुछ ऐसा नहीं लगा। और कई किलोमीटर दूर दूर तक फैला हुआ ये जंगल है, और इससे उधर है यमुना जी, हमने यमुना जी के पास भी देखा। ऊबड़ खाबड़ रास्ता, कभी फिसलन भरा पहाड़, कभी कटीली झाड़ियां, बीहड़ हमारे लिए चुनौती बन चुका था। तो देखिए, ये आसपास का जंगल है जहाँ हम आए हैं, और बहुत घना जंगल है, कांटे भी हैं यहाँ पर, ये बबूल के पेड़ हैं और इसके कांटे ऐसे होते हैं कि आपके जो आपने पहन रखा है फुटवेयर उसमें भी सुराख करके चले जाएंगे। लेकिन हम कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें वो जगह ढूंढनी है। हम इस जंगल में कई किलोमीटर चल चुके हैं, और ऐसे मिट्टी के बहुत सारे पहाड़ हैं, हमने बहुत सारे पहाड़ चढ़े, और ऊपर तक चढ़ना बड़ा मुश्किल था क्योंकि कांटों के पेड़ हैं, बबूल के पेड़, बहुत दिक्कत हुई। परेशान हुए मेरी टीम, मेरे कैमरा पर्सन, क्योंकि उनके हाथ में तो कैमरा भी है, ऊपर तक चढ़ने में बड़ी दिक्कत हुई, लेकिन अभी भी हमारे हाथ कोई सिरा, कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी। हम खाली हाथ नहीं लौटना चाहते थे। इसलिए अब आधी हकीकत आधा फसाना की टीम ने उन जंगलों का रुख किया जहां अब लायन सफारी बन चुकी है। पहचान लायन सफारी भी बन गई है, तो हमने कहा क्यों ना अंदर जाकर देखा जाए, यहाँ कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा ये हमें नहीं पता, लेकिन अंदर जाकर हम जरूर देखने वाले हैं। क्योंकि मंदिर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद लायन सफारी में हमें कोई ऐसी कड़ी मिल सकती थी जिसके तार पिलुआ वाले हनुमान जी से जुड़े हो सकते थे, इसलिए हम एक बंद गाड़ी में सवार हुए और अपनी तलाश में निकल पड़े। मुझे इस वक्त एक और शेर दिख रहा है, और ये बहुत नजदीक वाला शेर है। मैं इस कैमरे से आपको बता रही हूँ, मेरे ड्राइवर गाड़ी धीरे धीरे चला रहे हैं, ये सबसे नजदीक वाला शेर है। देखिए मेरी गाड़ी के कितने नजदीक आ चुका है, ये आप देखिए आप, ये कितना नजदीक है, ये हमारी गाड़ी को भी फॉलो कर रहा है, पीछे से हमारी गाड़ी को फॉलो कर रहा है, और एक 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 अभी भी सामने बैठा हुआ है। तो यहाँ एक एक करके हमें शेर दिखाई दे रहे हैं, हम आपको वो दिखा रहे हैं, लेकिन अभी भी हम आपको बता दें, मकसद हमारा वही है कि उस मंदिर में जो हनुमान जी को लड्डू खिलाए जाते हैं, आखिर वो लड्डू कहाँ जा रहे हैं। लेकिन लायन सफारी में भी वो सवाल सवाल ही रहे कि आखिर इतने सारे लड्डू जाते कहाँ हैं, उस छेद में पानी कहाँ से आता है, और ठंडे पानी में बुलबुले कैसे उठते हैं। ऐसी मानता है कि हनुमान जी खुद खाते हैं, अब भी आस्था के आगे साइंस भी फेल हो जाती है। हम साइंस के एंगल से सोचे नहीं कभी, मैथ का प्रोफेसर होने के बावजूद भी कभी दिमाग में नहीं आया कि लड्डू का पानी जाता कहाँ है।
जानकारों के मुताबिक इसका राज धाम की ऊंचाई में छिपा हो सकता है। बताया जाता है कि यहां कभी एक बड़ा टीला हुआ करता था और उसी टीले के ऊपर आज ये मंदिर बना हुआ है। माना जाता है कि पानी और गैस का रहस्य इस टीले की गहराई में दबा हो सकता है, जो आज मंदिर के नीचे मिट्टी में दफन हो चुका है। बहुत सारी किंवदंतियां उससे जुड़ी हुई मिली हैं, कुछ पेपर्स भी मिले हैं जिसमें उन पिलुआ महावीर के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है। लेकिन जैसा कि मैं बीइंग ए हिस्टोरियन अगर मैं समझता हूं, तो हमारे इतिहास में क्रॉस चेक करने के लिए हमारे पास अगर पौराणिक साक्ष्य हों, साथ में पुरातात्विक साक्ष्य की बहुत आवश्यकता होती है, तो ऐसे पुरातात्विक साक्ष्य अभी तक मेरी स्टडी में अभी तक नहीं मिल पाए हैं। क्या आप देख रहे हैं पुरातत्व तो चीज़ों पर, आप रिसर्च करते हैं पुरानी चीज़ों पर, कोई ऐसी व्यवस्था पहले हुआ करती थी कि आप कुछ भी डालिए और वो कहीं रुक जाए और आपको ना मिल पाए, कोई ऐसी व्यवस्था? अगर इतिहास के विद्यार्थी की दृष्टि से देखा जाए तो निश्चित ही उसमें किसी तरीके की प्राकृतिक व्यवस्था बन गई होगी जिसमें पानी का एक लेवल बना रहता है। वहाँ पर जब तक कि उत्खनन नहीं होता, तब तक हमें खुदाई नहीं होती, उत्खनन नहीं होता, तब तक हमें उसकी जो वास्तविक व्यवस्था है साइंस के हिसाब से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखें, तब तक हमें पता नहीं चल सकता। महावीर या हनुमान जी की वो मूर्ति प्रसाद खाती है, वहाँ प्रसाद जाता है, ये मैंने भी देखा है कई बार जाकर। अब ये आपको तय करना है कि पिलुआ वाले बजरंग बली से जुड़ी कहानियां कोई चमत्कार है या उनका कोई वैज्ञानिक नजरिया भी है, जिसे समझा जाना अभी बाकी।